और बच्चों कैसे हो। चलिए आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है आपका क्वथनांक में उन्नयन। समझिए ध्यान से, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कहने का मतलब कि आपका यदि कोई बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्वेंट का है और यदि उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ जाता है, सपोज मान लीजिए आपका ये एक विलयन है, सॉरी एक सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट आपका वाटर है। बचपन से पढ़ते आए हो, क्या पढ़ते आओ, कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉइल करता है, अर्थात इसका क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और जब इसमें आप अवाष्पशील विलय को मिलाते हो, ध्यान देना, अवाष्पशील किसको मिलाते हो, विलय को मिलाते हो, ये यूरिया हो सकता है, ये चीनी हो सकता है, ये ग्लूकोज हो सकता है, नमक हो सकता है, जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता हो, वाष्प में नहीं बदलता हो, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप अवाष्पशील विलय को इसमें मिलाओगे तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी हम अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक, वह बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इस लॉजिक को हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हमको क्वथनांक किसको कहते हैं ये चीज जानना जरूरी है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर वह द्रव उबलता है, ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है। जैसे ये पानी है, यदि हम अवाष्पशील विलय की बात नहीं करें तो ये पानी कितने डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस में, ध्यान दीजिएगा। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जब यह क्या हो, बोलो, उबलना शुरू करता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव उबलता है, साथ ही साथ, ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ, अब यदि ये द्रव उबलेगा, समझो ध्यान से, साथ ही साथ यदि ये द्रव उबलेगा तो क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, हम लोग पढ़े थे। अब वेपर में कन्वर्ट होता तो ये क्या लगाता है, वाष्प दाब लगाता है, पढ़े पहले ना। यदि ये ढका हुआ है, कवर है, तो ये वाष्प में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो समझिएगा, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर आपका द्रव उबलता है, साथ ही जो वाष्प दाब होगा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm। तो आप कह सकते हो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर वह क्या होता है, उबलता है, साथ ही साथ, ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ यदि उबल गया तो ये किसमें, वाष्प बना, और वाष्प क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, साथ ही साथ वाष्प दाब जो होगा, ध्यान देना बाबू, साथ ही साथ वाष्प दाब जो होगा, ये ध्यान देना थोड़ा सा, साथ ही साथ क्या, वाष्प दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, मतलब 1 atm के बराबर होगा। क्लियर, उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर वह उबलता है या द्रव की सतह पर दाब, मतलब द्रव के सतह पर, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए, सपोज ऐसा मान लीजिए कोई लिक्विड है, आप यहां से टेम्परेचर दीजिएगा, बोला हाँ ये लिक्विड हुआ, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, वेपर क्या करेगा, द्रव की सतह पर दाब लगाएगा, और यह दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। तो द्रव की सतह पर लगने वाला जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां से लिख सकते हो, वेपर प्रेशर जो होगा यहाँ पे PS है ना, या कह सकते हो P0A, वो किसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए। द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए।
तो फिर से किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव उबलता है, और द्रव उबलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर से क्या लगेगा, प्रेशर, तथा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, अर्थात 1 atm के बराबर हो। ओके, आप इसको राइट कर लो, अब लिख लो किसी द्रव के, चलो ठीक उतार लिए होंगे, बिल्कुल उतार लिए होंगे, चलो ठीक, उतारने में कुछ नहीं करना, म्यूट करना है और रोक करके वीडियो को उतार लेना बस। अब क्या होता है ये समझ गए ना, तो वह ताप, फिर से जुड़ो हटाओ कुछ भूल जाओ, वह ताप जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वह ताप क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। अब इस बात बताइए, जब अवाष्पशील विलेय को, समझिएगा, देखा गया कि जब अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है, किसी विलायक में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या बोला, जब कोई अवाष्पशील विलेय को, सपोज देखिए ये आपका मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 degree Celsius, यस या नो, यस 100 degree Celsius इसका क्वथनांक होगा। और आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जब पहले जो बॉयल करेगा इसका क्वथनांक जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, क्वथनांक भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं आपको जो अच्छा लगे, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होगा, 100 degree Celsius होगा। दैट्स ऑल। अब एक बात बताइए, हम कुछ नहीं कर रहे, पहले इसका अभी वाटर था, कौन है भाई, वाटर है, क्वथनांक 100 degree Celsius। सपोज यदि हम इसी में क्या मिला दें, वाटर तो था ही, और कुछ हम यहाँ पे लाके किसको मिला दिए, नमक को, नमक बोले तो सॉल्ट, सॉल्ट को मिला दिए, तो जैसे हम सॉल्ट को इसमें मिलाते हैं तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट 100 degree Celsius नहीं रह करके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 100 degree Celsius, ये बढ़ जाता है। बच्चे के मन में एक सवाल आएगा, सर क्यों बढ़ता है, थोड़ा सा दिल से बता देते तो मजा आ जाता, बिल्कुल आएगा बाबू। तो जब अवाष्पशील विलेय को, इतना जान लो पहले कि जब अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, सबसे पहला चीज। तो कोई सिर्फ तुमसे पूछेगा घर में, जैसे तुम एक बात बताओ, घर में जैसे गर्म पानी कर रहे हो, कितने डिग्री सेल्सियस में बॉइल करेगा, 100 degree Celsius, जैसे उसके अंदर कुछ अवाष्पशील विलेय को डाल दे, जैसे नमक को डाल दे, तो अब बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 से ज्यादा, मतलब ऑप्शन में जो आपको टिक करना है वो 100 से ज्यादा टिक करना है, जो भी 100 से ज्यादा हो, 100 नहीं होगा, जब भी अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं क्वथनांक बढ़ जाता है, यस। चलिए ठीक, अब बच्चा बोला सर क्यों, सर एक बात हमको बता देते तो अच्छा होता, मन चाहिए कि दो फिगर इधर बनाए तो एक फिगर इधर भी बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखिए क्यों, तो इस चीज को समझिएगा कि सपोज मान लीजिए बाबू यहाँ हम कुछ टेम्परेचर दे रहे थे और वो टेम्परेचर था, सिर्फ पानी था, और पानी क्या हो रहा था, 100 degree Celsius में बॉइल कर रहा था, यस या नो, 100 degree Celsius में वाटर बॉइल कर रहा था, चलो ठीक। अभी हमने क्या किया, इसमें कुछ नमक के टुकड़े को डाल दिया, तो यदि हम नमक के टुकड़े को इसी में डाल दिए तो क्या होगा, पहले एक बात बताओ, नमक क्या होगा, इसी में होगा, ये ट्रायंगल ट्रायंगल जो है ये नमक है, ये सॉल्ट है, ध्यान दीजिएगा, और जैसे टेम्परेचर आप डाल दिए
पहले बोलो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे आप यहां से देते थे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस दिए, ये बॉयल करना शुरू हो गया। अब यदि यहां 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो उसमें से कुछ हीट कौन ले लेगा, कुछ हीट आपका नमक एब्जॉर्ब कर लेगा, समझिए, कुछ हीट कौन ले लेगा, नमक ले लेगा। तो जब कुछ हीट नमक ले लेगा तो इस पानी को क्या एक्चुअल में 100 डिग्री सेल्सियस जो हमने सप्लाई किया क्या उसको 100 डिग्री सेल्सियस मिला क्या, इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला क्या, नहीं मिला। क्यों, कुछ हीट किसने ले लिया, नमक ले लिया। सपोज मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का हीट ये एब्जॉर्ब कर लिया तो ये हमारा वाटर को कितना मिला भाई, हम दिए थे 100 उसमें से 10 नमक रख लिया, पानी को कितना मिला बताओ, 90 डिग्री सेल्सियस। क्या बॉयल करेगा, क्या बॉयल करेगा क्या, यस या नो, बिल्कुल नहीं करेगा। तो 90 डिग्री में पानी कभी बॉयल नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यस या नो। तो यहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर गया, अब जब यहाँ बात करें आप दिए तो 100 डिग्री सेल्सियस मगर आपने गलत क्या कर दिया, इसमें आके नमक डाल दिया। जब आप नमक डाले इसमें तो नमक कहीं भाई बाहर तो नहीं चला गया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम, ये भी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो एक्चुअल में आपने दिया कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, नमक कुछ ले लिया तो वाटर को 90 मिला क्या, 100 मिला क्या, नहीं मिला सर, 90 मिला, 90 मिला। तो क्या होगा, ये वाटर बॉयल करेगा, नहीं करेगा। वाटर कब बॉयल करेगा, जब यहाँ पे आप टेम्परेचर एटलीस्ट 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करो। तो जब आप 10 डिग्री बढ़ा दिया मतलब 110 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ से दिया तो हो सकता है उसमें से बोलो 10 डिग्री सेल्सियस सॉल्ट ले ले और 100 डिग्री सेल्सियस इस वाटर को मिले। तो ये जो सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 डिग्री था, अब कितने हो गए, 110 डिग्री में बॉइल कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉल्ट कर लेता है, जिस चलते वाटर को उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता कि वो बॉइल करे, इसलिए यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। उसी चीज को हमने लिखा, जब अवाष्पित विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। इसको इसको उतारिए, ये दो फोटो को समझने के लिए उतार लीजिए बगल में, जल्दी उतारिए, उतार लीजिए, होंगे अनम्यूट करके सिर्फ, बस रोक करके थोड़ा सा रोक कर करके सिर्फ ये कर लेना, अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा बिल्कुल कॉल करके पूछे, व्हाट्सएप करके पूछे, जैसे ही पूछ सकते हैं। तो जब वाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक को बढ़ने को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, यही लिख सकते हो क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है इंक्रीमेंट, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, या लिख सकते हो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, या मोललता ही लिख दो, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। दूसरा कॉलगेटिव प्रॉपर्टी क्या था आपका, क्वथनांक में उन्नयन ना, क्वथनांक में उन्नयन, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, ध्यान दीजिएगा डेल्टा टीबी। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है, उस दिन आपको हम बताए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, यही चार कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके नाम में थोड़ा सा भी चेंजेज आएगा तभी भी मत बोलना कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है। यस, चलिए ठीक है। अब जब आप ही बोल दिए क्वथनांक में उन्नयन जो है वो मोललता के समानुपाती होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग कहते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता, कोई दिक्कत, बोला नहीं सर, जिसको मोललता आता तभी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टीबी तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट आता है केबी, हम लोग लिखे केबी एम,
और क्या हो सकता है बताओ? तो या इसी को और आप बढ़ा सकते हो, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी, और वजन वगैरह नहीं दिया रहे, आपको पता है मोलरता का फॉर्मूला यदि है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केबी को बोलो नंबर ऑफ एनबी बटे बोलो डब्ल्यू ए इन केजी, विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, यही होता है, यही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, यदि आप ये देख पा रहे हो तो आप यहां से भी आ सकते हो कि हम लोग डेल्टा टी बी यदि मन होगा तो के बी वजन दिया रहे तो डब्ल्यू बी बटे एम बी मोललता को लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए इन ग्राम। अब बार बार बताते हैं ये डिफाइन यही से हो रहा है, मोल नहीं दिया हुआ, वेट दिया है, तो कैसे मोल एन बी को कैसे लिख सकते हो, डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू ए के जी में दे देता तो के जी में लिख देते एक बटे के जी, के जी में नहीं दे करके किस में दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो 1000 से भागा दीजिएगा 1000 बटे डब्ल्यू ए के जी। तो यहाँ तो बार बार बोल लोगे आप डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, डेल्टा टी बी बराबर के बी है, डेल्टा टी बी बराबर के बी, मोललिटी मोललता को क्या कहते थे, विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए इन ग्राम। किसी को डाउट है तो बताइए, है ना, नहीं डाउट है तो जल्दी उतारिए, किन्हीं को डाउट है तो बताइए, नहीं डाउट है तो उतारिए। और क्या कर सकते हो सर, ये डेल्टा टी बी कैसे आएगा, तो डेल्टा टी बी जो आपका आता है टी बी माइनस का टी बी नॉट। सर ये क्या है डेल्टा टी बी, तो सबको पता है क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, टी बी क्या है बोलो, टी बी क्या है, विलयन का मतलब मिलाने के बाद जो होता है विलयन का क्वथनांक, टी बी नॉट, नॉट कभी भी इंडिकेट करता है शुद्ध अवस्था में, किसमें, शुद्ध अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बोलो, या विलायक का लिख सकते हो सीधे, विलायक का क्वथनांक। सपोज अब हम यहाँ पे दोनों को समझाने के लिए बताते हैं फिर से, आपके लिए तो पूरा मेहनत करना पड़ता है। चलिए सपोज ये सिर्फ पानी रहता तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है टी बी नॉट, शुद्ध अवस्था में, सिर्फ इसमें कौन है, पानी है, पानी है, तो जब सिर्फ विलायक रहे तब जो क्वथनांक होता है उसको टी बी नॉट कहते हैं, जब सिर्फ विलायक रहे तब जो क्वथनांक होता है उसको टी बी नॉट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब विलायक रहे तब जो क्वथनांक होता है उसको टी बी नॉट कहते हैं, यस। चलिए तो अब यहाँ पे बताइए ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा, चलो नीचे बताता हूँ, चलो इधर बाजू में इधर ही, चलिए सपोज अब यदि इसी में क्या मिला दे, पानी तो है ही बोलो नमक, तभी इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब बिलियन बना हुआ है तब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको कहते हैं टीबी, मतलब बिलियन का क्वथनांक, ठीक, और वो विलायक का क्वथनांक, हमेशा इस केस में बिलियन का क्वथनांक ज्यादा होगा क्योंकि बढ़ जाता है, और विलायक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, यदि ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो बिल्कुल ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, और ये डेल्टा टीबी क्या है, कितना से ज्यादा हुआ, दैट इज कितना से ज्यादा हुआ, यदि यहाँ 100 था और मान लो ये 101 हो गया, कितना हो गया, मिलाने के बाद बढ़ करके कितना हुआ 101, तो कितना से ज्यादा हुआ, यहाँ लिख सकते हो टीबी माइनस का टीबी नॉट, था कितना 101 हुआ, था कितना 100, कितने से ज्यादा हुआ 1 से, तो दिस इज डेल्टा टीबी, दिस इज डेल्टा टीबी, यस। चलिए नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, देखना भी नहीं है, याद आ जाओ यदि इसका 101 है, यदि आपको डेल्टा टीबी निकालना है तो टीबी कितना है 101 यदि है मिलाने के बाद, है ना, और ध्यान दीजिएगा, और मैं पहले कितना था 100 था, कितने से बढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस से, तो यही आपका डेल्टा टीबी हो गया, उतार लीजिए, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, मोललता को जो याद कर लिया उसका क्वालिटी प्रॉपर्टी क्लियर है लगभग, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टीबी बराबर केबी एम, मोललता को हम लोग डिफाइन किए थे डेल्टा टीबी बराबर केबी,
विलायक का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान है ना, डेल्टा टीवी के भी ग्राम में दिया तो डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू थाउजेंड बटे डब्ल्यू ए, सबको पता है डब्ल्यू बी क्या होता है, एम बी क्या होता है, थाउजेंड क्या होता है, डब्ल्यू ए क्या होता है, ये शुरुआत में जो लिखा था वही है भाई, बार बार क्या लिखूंगा फिर भी लिख दूंगा, डेल्टा टीवी बराबर टीवी नॉट माइनस का टीवी मिलियन का। चलिए उतार लीजिए इसको, चलिए ठीक उतार लीजिए, चलो ठीक। अब आपको यूनिट ऑफ केबी बता रहे हैं कि केबी का जो यूनिट है वो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, यूनिट ऑफ केबी, केबी का यूनिट क्या होगा, तो अभी हम यहां पे लिख रहे हैं यूनिट ऑफ केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, कौन है ये, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ केबी, तो डेल्टा टीबी बराबर हम लोग क्या लिखे थे बताइए, के बी एम लिखे थे, तो के बी बराबर क्या लिखिएगा बच्चा वाला सर, डेल्टा टी बी बटे एम लिखेंगे, बस हो गया मैटर क्लियर, के बी बराबर, एक बात बताओ डेल्टा टी बी को टेम्परेचर है, डेल्टा टी टी टेम्परेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट है या कोई पॉइंट है, डेल्टा टी बी बी इंडिकेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को, एक तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किस में लिखते हैं केल्विन में, एम मतलब मोलर टी सॉरी मोलता, ठीक, तो ये केबी का यूनिट क्या आ गया, केल्विन को किसमें लिख सकते हैं के अनि बटे एम, मतलब के एम इनवर्स, केल्विन को के एम इनवर्स लिख सकते हैं, यूनिट इसका के एम इनवर्स लिख सकते हैं, एनी डाउट, नो डाउट सर, चलिए बिल्कुल बाबू, तो इसको और दूसरे तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, केबी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बटे एम था, एम को और आप डिफाइन कर सकते हो कैसे, डेल्टा टीबी बटे एम को लिख सकते हो एम बी बटे डब्ल्यू ए इन के जी, यदि याद होगा ये सब चीज तो क्या हुआ भाई, आपको प्रॉपर्टी याद नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, डेल्टा टीबी बटे क्या कर ले वन इंटू डब्ल्यू ए किसमें इन के जी, अब बटे क्या हो जाएगा एन बी, बस आंसर आ गया, केबी का यूनिट क्या होगा, डेल्टा टीबी को भी बताए थे टेम्परेचर है किसमें लिख देंगे केल्विन में, बोलो वेट केजी में, डब्ल्यू ए किसमें केजी में, तो केजी में तो है केल्विन केजी बटे मोल, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलो केल्विन, बोलो केल्विन केजी मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, यस केल्विन केजी मोल इनवर्स, एक यूनिट और भी हो जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, कोई डाउट, बोला नहीं सर कहां से डाउट आएगा, यानी केल्विन केजी मोल इनवर्स, बिल्कुल सही, चलिए ठीक है, इसे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई, बताओ बताओ कोई दिक्कत, चलिए ठीक, एक और केबी का फॉर्मूला होता है, मगर आपको बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होगा, हम केबी लिख देते हैं, केबी बराबर आर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, ठीक मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर ऐसा कर लेना बटे डेल्टा एच वेपोराइजेशन इनटू थाउजेंड, ये कभी कभी आपको यूज होगा बाकी यूज नहीं होगा, आर का वैल्यू आपको पता होगा है ना, और मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का पता चल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का स्क्वायर कर दीजिएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको दिया रहेगा थाउजेंड, तो आप केबी का मान निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक, ये कभी कभी रह सकता है, चलिए ठीक, तो आपको कौन कौन सा यूज हुआ था उसमें भाई, तो सबसे पहले हम बता देते डेल्टा टीबी और केबी में क्या क्या की चीज क्या क्या था, तो सबसे पहले डेल्टा टीबी क्या होता है बोलो, डेल्टा टीबी होगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक के भी हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इनको ये सारे को आप लिख सकते हो, कौन कौन चीज क्या क्या है यहाँ पे, इनको आप उतार सकते हो। उतार लो उतार लो उतार लो। फिर हम लोग ग्राफ देखते हैं डेल्टा टीवी का, और ग्राफ देखने के बाद फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसको उतार लीजिएगा, फिर हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए ठीक है, ये उतार लिए होंगे। चलिए ठीक, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, आप अच्छे से आसानी से देख सकते हो। ये वेपर प्रेशर का लाइन है और ये लाइन आपका टेम्परेचर का लाइन है। आपको डिसाइड करना है, सभी को पता है ये वाला पोर्शन हमारा जीरो होगा, सभी को पता है ये वाला पोर्शन हमारा जीरो होगा। और आपको हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, वह टेम्परेचर जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180 होता है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि वह टेम्परेचर यहाँ पे क्या, ये ग्राफ में देखो ना, ये ग्राफ में देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ है क्या इस टेम्परेचर पे देखो कितना है वेपर प्रेशर, कितना है इस टेम्परेचर पे, कितना है, इतना है। तो क्या देख रहे हो, दोनों टेम्परेचर पे क्या देख रहे हो, क्या जो इस टेम्परेचर पे है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, इस टेम्परेचर पे भी नहीं हुआ, इस पॉइंट पे हुआ क्या, ये देखो इस टेम्परेचर पे भी नहीं हुआ, इस टेम्परेचर पे देखो, हाँ देख सकते हो इस टेम्परेचर पे देख रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट पे बढ़ते गए, अब यहाँ देखो यहाँ इस टेम्परेचर पे क्या देखते हो कि ये जो है आपका, ये आपका किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इस टेम्परेचर पे यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, मतलब यह बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए ये बॉइलिंग पॉइंट क्लियर। अब दूसरा इस वाले ग्राफ में देखिए, इस वाले ग्राफ में इस टेम्परेचर पे देखो, इस टेम्परेचर पे यहां पहुंचो, यहां से यहां क्या बॉइलिंग पॉइंट मिला क्या, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला क्या, नहीं। इस पॉइंट पे देखो, ऐसे आओ डॉट डॉट करके आ जाओ, यदि मन है तो लो ऐसा, अब यहां से यहां आ जाओ, क्या इस वाले टेम्परेचर को हम इसका बॉइलिंग पॉइंट कहे, नहीं कहे, क्यों, क्योंकि यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ। कब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट, जब यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो आप इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, इस पॉइंट पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, इस पॉइंट पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, इस पॉइंट पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, इस पॉइंट पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। बोलो यस या नो, इस पॉइंट पे देखो यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, बोलो हाँ या ना। तो यह क्या दिख रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ये और ये पॉइंट पे, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किया। अब सबसे पहला काम, यदि ये जीरो है तो ये दूरी इतना हुआ, और ये जीरो है तो ये दूरी इतना हुआ। तो बोलो पहला वाला बॉइलिंग पॉइंट किसी का इतना है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो ज्यादा किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट बताओ, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि किसका होता है, बिल्कुल विलायक का, किसका होता है बोलो, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, बोलो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये समझिए, ये ग्राफ दोनों में से विलायक कौन है, विलयन क्या है, ये चीज को हम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहे हैं। जीरो से टीबी नॉट तक इतना ही आपका टेम्परेचर है, तो सपोज ये जीरो है और ये वाला टेम्परेचर आपका 100 है, तो ये वाला किसे भी होगा 100 से ज्यादा होगा, तो दिस इज 110 यदि हो गया, तो आपको बोलो विलायक का जो है वाटर का ज्यादा होगा कि नमक मिला हुआ का ज्यादा होगा, तो बिल्कुल आप बोले थे नमक मिलाते हैं, कोई अवास्तविक विलेय मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सर ये वाला कम है और ये वाला ज्यादा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ग्राफ है जो कट कर रहा है, ये ज्यादा है, यहाँ पे इतना आपको टेम्परेचर लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, और यहाँ पे इतना टेम्परेचर लग रहा है सर, तो आप बताइए कौन होगा, कम वाला टेम्परेचर विलायक का होता है, कम टेम्परेचर ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ कम है, किसका टकराया, यहाँ पे टकराया, तो ये कौन होगा, विलायक होगा, और ज्यादा वाला जो होता है, आप बोले थे ना
क्या मिलाने के बाद क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ज्यादा वाला जो होगा यहां से यहां तक ये किसका हो जाएगा, विलयन का। तो ये विलायक का, ये विलयन का। सपोज शुद्ध अवस्था में इतना था, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अवस्था में इतना था, मिला देने के बाद नमक चीनी ग्लूकोज कुछ भी, अब कितना हो गया, इतना हो गया। पहले कितना था शुद्ध अवस्था में, इतना बॉइलिंग पॉइंट था। ये वाला ग्राफ जो है ये शुद्ध का है, इतना था बॉइलिंग पॉइंट। जैसे नमक या ऑक्सीजन विलय को मिलाए, अब बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। तो पहले इतना था, अब इतना हो गया। कितने से बढ़ा, था इतना, हो गया इतना। बढ़ा कितना, यहां से यहां। बड़ा कहां, यहां से यहां। और इसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक उन्मेय। था कितना, इतना, बाद में हो गया इतना, तो कितने से बढ़ा, यहां से यहां तक, इसी को कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। पहचानने का तरीका, जो छोटा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसमें ध्यान देना वो विलायक का होगा, और जो पहले वाला वो विलयन का होगा, बाद वाला। क्लियर, उतार लीजिएगा इसको, उतार लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, जो देखो ये टेम्परेचर पे क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर किसके बराबर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए यही पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, इसी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और यही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आप बोले यहां से यहां शुद्ध वाला का, यहां से यहां विलयन का, तो कितना से बढ़ गया, पहले था इतना, बाद में मिलाए गए औसत अवस्थित विलय हो गया इतना, कितना से बढ़ा, इतना से। और इसी को क्या कहेंगे, डेल्टा टीवी। यस बिल्कुल, अब करें उतार लीजिएगा इसको, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए उतार लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब बेंजीन के 100 ग्राम में एक अवास्थिल विलेय का 10 ग्राम घोला जाता है, तो बेंजीन कितना है 100 ग्राम, अवास्थिल विलेय कितना है 10 ग्राम, तो एक आपका डब्ल्यू ए हो गया, एक डब्ल्यू बी हो गया। जो डेटा दिया है, डब्ल्यू ए किसको कहते हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, बेंजीन की मात्रा ज्यादा है, विलायक मतलब 100 ग्राम। डब्ल्यू बी किसको कहते हैं, जिसका मात्रा कम होता है, तो बी आपका 10 ग्राम। तो इसका क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक इतना हो जाता है ये नहीं बोल रहा है, इसका क्वथनांक जितना था पहले उससे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, जो भी था उससे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। ये कहीं ना कहीं इस चीज को इंडिकेट किया कि भाई मान लो पहले 100 था तो बाद में 101 हो गया, ये इस चीज को इंडिकेट किया कि भैया पहले यदि 100 था तो बाद में 101 हो गया। इसका मतलब कितने से बढ़ा, एक से बढ़ा। तो दिस इज टी बी और दिस इज टी बी नॉट, और जब हम बोलेंगे कितने से बढ़ा तो आप बोलोगे 101 माइनस का 100 है ना, मतलब एक से। तो ये जो एक से बढ़ा, कितने से बढ़ा, उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। कितने से बढ़ा, इतना हो गया नहीं बता रहा, इतने से बढ़ा। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर क्या लिखोगे, एक। बहुत विलय का आणविक द्रव्यमान बताइए, तो हमसे ये पूछ रहा है डब्ल्यू बी विलय हो गया, इसका मोलर मास मतलब एम बी पूछ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टीवी आया, फॉर्मूला लगा दिए, भैया क्या बोलो, डेल्टा टीवी बराबर सब डब्ल्यू डब्ल्यू दिख रहा है तो डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाओ, तो के बी बोलो डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए इन ग्राम, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डेटा तो सभी चीज वैसे ही है। अब हमको यहां से क्या निकालना है, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी दे दिया था 1, चलो के बी दिया हुआ क्वेश्चन में 2.53 इंटू डब्ल्यू बी पता है 10, एम बी निकालना है रख दिए इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान 100। अब एक इक्वेशन एक अननोन, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 0 कैंसिल, एम बी को उधर लेके चले गए, एम बी बराबर 2.53 अब गुना 10 10 आए 100, तो ये जो मोलर मास हुआ ये 253 आया।
किसी को कोई डाउट है, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है बाबू, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को लिख दो और उसके बाद आप उसी से रिलेटेड फॉर्मूला जनरेट कर दो। क्योंकि डेल्टा टीवी दिया है, पूछ रहा है एमबी, तो डेल्टा टीवी का कौन सा फॉर्मूला से एमबी निकल सकता है? बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला से निकल सकता है, इसमें एमबी आएगा, है ना। तो इसी को आप उतार लो, उतारो बाबू, उतारो, उतार लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, ये फिर से आपके पास क्वेश्चन है। जब भी सॉल्यूशन आए तो आप उसको क्या करो, म्यूट कर करके, रोक करके, पॉज करके, उसके बाद आप जो है ये देखो, ठीक। अब पहले हमारा काम होता है डेटा को देखना। तो जब जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक ये जो है आपका, इसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसको कहते हैं, इसी को हम लोग के बी करते हैं। तो के बी का मान दे दिया कितना, 0.56। चलो आगे इसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेगा, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, समझ लीजिएगा। के बी 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम किसमें, जल में। तो 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल, ज्यादा कौन है, जल है, तो जल डब्ल्यू ए हुआ। कम कौन है, यूरिया, तो यूरिया डब्ल्यू बी हुआ, जो कम है। तो डब्ल्यू बी कितना हो गया, 6 ग्राम। ये कौन है, यूरिया है, कौन है, यूरिया। और यूरिया को सबको पता है मोलर मास एनबी, देखो यूरिया का फॉर्मूला भी डाल दिया, सीओ एन एच टू होल टू, या इसको ऐसे भी लिख सकता है एनएच टू सीओ एन एच टू, या इस तरह भी लिख सकते हो सीओ एन एच टू होल टू। अब यहां से देखो कार्बन का 12 प्लस, हमको याद है 16 60 आपको याद नहीं है, प्लस 14 प्लस, देखो 14 नहीं करो, हाँ ठीक ठीक ठीक, प्लस 14 और 2 16, 16 को गुना 2, समझो पहले 12 16 ये हो गया आपका 14 और 2 16, 16 को किससे गुना कीजिए, 2 32, 32 10 42 48 से 60। जो मोलर मास होता है यूरिया का वो कितना होता है, 60। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन का 14 होता है, इसका 1 होता है, 14 15 16, इसका 12 इसका 16 इसका 14 इसका 1, हाइड्रोजन का 1 2 का है, तो 60 होगा, जोड़ लीजिएगा मोलर मास। अब बताइए और क्या है, डब्ल्यू ए पता है कितना है, 200 ग्राम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, बोलो विलयन का क्वथनांक का मतलब, विलयन का क्वथनांक क्या होता है, टीबी होता है कि टीबी नॉट होता है। सबसे पहले देखो ये विलायक का क्वथनांक हुआ, टीबी जो है विलयन का क्वथनांक होता है, विलयन का क्वथनांक क्या होता है, टीबी। तो आपसे पूछा कि टीबी क्या होगा, तो भाई हम टीबी तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, हमको पता है एक चीज, क्या पता है, बोलो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, क्लियर। डेल्टा टीबी क्या होता है, बोलो टीबी माइनस टीबी नॉट। यदि आपको इतना पता है तो हमको निकालना क्या है, टीबी। तो यहां से लोग टीबी बराबर क्या कर लेंगे, इसको उधर भेज दो, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। अब एक बार बोलो, डेल्टा टीबी तो हम यहाँ क्वेश्चन से निकाल लेंगे, और टीबी नॉट सभी को पता है शुद्ध अवस्था में जल का बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ जल ही ना है भाई, प्योर कौन है विलायक, जल, जल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, बोलो 100 डिग्री सेल्सियस। किसी को डाउट है, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बोलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो पता ही है ना भाई, तो यहाँ विलायक कौन है, जल है, और जल का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमको पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हमको निकालना है डेल्टा टीबी, तो मेरा टीबी निकल जाएगा, टीबी बराबर डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट होता है, ये तो फिक्स होता है जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टीबी हो जाए तो मेरा काम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भाई डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, बोलो पढ़ो केबी, वजन वाला दिया फॉर्मूला, क्या करोगे केबी हमको लिख दो, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए इन ग्राम, या डेल्टा टीबी बराबर, दिख रहे ना सभी को, केबी का मान कितना दिया 0.56 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 6, एम बी कितना होता है 60, 1000 बटे डब्ल्यू ए कितना है 200, 200 से कटो 5 टाइम्स कटा
छह से कटा दस, पांच दूना दस, ये आ गया दो से कटा 0.28। क्लियर क्लियर क्लियर, यस बिल्कुल। अब दिस इज पहला प्रोसेस, दिस इज दूसरा। अब यहां से आ जा, डेल्टा टीवी का मान आपको आ गया, डेल्टा टीवी आप कितना निकाले हो बोलो, 0.28। दिमाग बोलेगा ना डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस का टीवी नॉट होता है, टीवी चाहिए बिलियन का, तो क्या होगा डेल्टा टीवी प्लस का टीवी नॉट। ये पूरा फॉर्मूला आज से तो हम डेल्टा टीवी सीखे हैं, तो डेल्टा टीवी यहां से निकाल लेंगे। और शुद्ध अवस्था में जल का तो जीवन जानता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो यहां से आप कर लो क्या है बोलो, टीवी बराबर क्या होता है फॉर्मूला देखो, डेल्टा टीवी प्लस का टीवी नॉट। तो टीवी निकालना था, आप भी बोले बिलियन का क्या ज्यादा होता है कि विलायक का ज्यादा होता है, विलायक का कम होता है। और जब इसमें क्या मिलाते हैं अवास्तविक विलय, तो बिलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब उससे बढ़ना चाहिए, तो जोड़ दो डेल्टा टीवी का मान 0.28 प्लस का 100, तो आपका टीवी जो आया वो 100.28 डिग्री सेल्सियस। बोलो पहले से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें क्या मिला दिए, उसमें आप मिला दिए यूरिया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम तो बोलते ही हैं जब कोई अवास्तविक विलेय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया मिलाने के बाद 100.28, मतलब बढ़ गया। इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए वीडियो को रोक करके उतार ले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बस क्वेश्चन को देख के आपको डेटा को लिख लेना है। ग्लूकोज जिसका अनुभार 180, अनुभार मतलब मोलर मास, ठीक, के जलीय विलयन में 12 ग्राम कौन है ग्लूकोज है और 100 ग्राम जल है। सबसे पहले बताइए 12 ग्राम ज्यादा कि 100 ग्राम ज्यादा, तो बिल्कुल बोला सर 100 ग्राम ज्यादा, तो 100 ग्राम वाला कौन हो जाएगा विलायक हो जाएगा और 12 ग्राम वाला विलेय हो जाएगा। तो आप यहां से क्या लिखिएगा, जो कम मात्रा है विलेय WB 12 ग्राम, और वही ग्लूकोज का मोलर मास भी दे दिया MB, कितना दिया 180 ग्राम। चलिए ठीक, आगे बोलो WA जल का द्रव्यमान दे दिया 100 ग्राम। चलिए ठीक है, एक काम क्या किया, जब ग्लूकोज का अनुभार 180 के जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलय है का क्वथनांक, मतलब क्या बोल रहा है, जब जल और ग्लूकोज दोनों विलय है, जल और कौन बोलो ग्लूकोज दोनों विलय है, तो क्वथनांक कितना है 100.34 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, जब ग्लूकोज और जल दोनों है तो क्वथनांक कितना है 100.34 डिग्री सेल्सियस, और जल और ग्लूकोज दोनों हो, दिस मींस बिलियन, और बिलियन का क्वथनांक को क्या कहते हैं बाबू बोलो टीबी, 100.34 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ध्यान रखिएगा टीबी का मान ज्यादा होता है, टीबी नॉट का मान कम होता है, ठीक। और शुद्ध अवस्था में जल सबको पता है 100, आपको पता ही है, मगर ये दे भी दिया कि शुद्ध जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इसके अंदर जब कुछ नहीं मिलाते, इसके अंदर कुछ नहीं मिलाते, ग्लूकोज को नहीं मिलाते तो 100 डिग्री सेल्सियस होता शुद्ध जल का, और मिला दिए तो टीबी नॉट मतलब शुद्ध अवस्था में, और मिला दिए तो 100.34। तो इससे तुमको पता चल जाएगा बोलो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है टीबी माइनस का टीबी नॉट, और यहां से डेल्टा टीबी आप जब निकालिएगा टीबी कितना है भाई 100.34 ज्यादा वाला, और ये 100 है ना, और इससे आ गया 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टीबी का मान आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है केबी, कुछ नहीं करो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है केबी, WW दिख रहा है तो W वाला लगा दो, WB बटे MB इनटू 1000 बटे WA इन ग्राम। चलो ठीक क्लियर, अब एक बात बताइएगा आपको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला बोलो, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक मतलब KB आपसे पूछ रहा है, बस वहीं से KB पूछ रहा है, तो सबको एक तरफ कर दो,
केवी पूछ रहा है तो सबको एक तरफ कर दो, भाई नहीं दिख रहा है क्या, भाई दिख रहा है तो केवी पूछ रहा है सभी को एक तरफ कर दो, केवी इधर आ जाओ, क्या करेगा डेल्टा टीवी गुना एम बी, ठीक है, गुना डब्ल्यू ए इन ग्राम, अब बट क्या आ जाएगा बोलो, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड, क्लियर, चलिए आ गया ना। चलो डेल्टा टी बी एम बी डब्ल्यू इन ग्राम, के बी पूछ रहा है तो के बी को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सभी को लेके आ जाओ, ये तो सभी को समझ में आया, यहाँ तक उतार लो, ये ग्लूकोज वाला लाइन ही पढ़ोगे, ग्लूकोज का अनुभार इतना के जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज जब 100 ग्राम जल में विलय है का क्वथनांक कितना है, इसका मतलब यह विलयन का क्वथनांक दिया है। चलिए ठीक, बस कोटिंग फॉर्मूला गेटिंग आंसर, के बी बराबर डेल्टा टी बी कितना निकाले थे, बोला सर 0.34 निकाले थे, चलिए ठीक है, और क्या है बोलो बाबू, एम बी मोलर मास ग्लूकोज का 180 गुना, और क्या बचा डब्ल्यू ए इन के जी इन सॉरी इन ग्राम, कितना ग्राम है बताइए, 100 ग्राम जल है डब्ल्यू ए, देख लीजिएगा डेटा, और बताए डब्ल्यू बी कितना है, 12 ग्राम है ग्लूकोज इंटू, और कितना है बोलो, 1000 कर लो, ए 0000000 कैंसिल, चलो ठीक है, 6 × 12 6 × 3 = 18 और 2 से ये कट गया 0. कितना 17 और इसको गुना कर दीजिए किसके साथ, 3 के साथ, तो KB का मान आएगा 0.51 यूनिट, सबको पता है के एम इनवर्स लिखो या किलो केजी है ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स, कोई डाउट एनी डाउट बताओ बाबू, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, जो होमवर्क आप लोग घर से करके लाइएगा, घर पे कीजिएगा, इसको उतार लीजिए, हिंट्स हम आपको दे देंगे, हो गया होगा बाबू, चलो ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका आज, एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुण जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, दो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, तो मुश्किल से 3 से 4 क्लास बहुत अधिक हुआ तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, विलयन समाप्त होगा 3 से 4 क्लास में, और आज के बाद 3 से 4 क्लास में, तो एक और क्वेश्चन होमवर्क देख लीजिए आप, आपको हम आपको बता दे रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं भाई, है ना, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बोला, एक सस्पेन में 1 kg जल है, सबसे पहले डब्ल्यू ए जल है 1 kg 18 ग्राम ग्लूकोज, डब्ल्यू ए 1 kg है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप केजी में बदले, बिल्कुल अमन है तो ग्राम में कर लो, फिर से वही करो, डब्ल्यू बी कितना है 18 ग्राम है, भोला गया ये बताया गया कि इतना दाब पर कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यही तो एटमॉस्फेरिक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसका कोई रोल नहीं है, आगे बताइए क्या दिया है, के बी दे दिया 0.52, आपसे पूछ रहा है कि कितने जो विलयन कितने पे उबलना शुरू करेगा, मतलब जब ग्लूकोज को पानी में मिला दिए तो ये कितने पे बॉयल करेगा, मतलब टीवी पूछ रहा है, सभी को पता है यदि जल है तो टीवी नोट का मान कितना होगा, यदि जल है ना मिलाया तो टीवी नोट कब बॉयल करता है बोलो, बोलो कब बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस में, क्लियर, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, तो आपको पता है क्या पता है बोलो, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस का टीबी नॉट, इसको इधर भेज दीजिए, टीबी निकालने के लिए बोला तो डेल्टा टीबी प्लस का टीबी नॉट, ये पता है हम लोग बना चुके हैं एक बार इस तरह क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस निकालना है टीबी, ये निकाल लो, ये कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन से यहाँ से निकलेगा, निकाल सकते हो बोला, हाँ नहीं निकाल सकते, बोलो निकालो भाई, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है बोलो, के बी एम, ठीक, या डेल्टा टीबी बराबर के बी तो रहने दो, डब्ल्यू बी दिया हुआ है तो लिख लो डब्ल्यू बी बटे एम बी, इस बार 1000 देने का काम नहीं है, 1000 कब देते हैं जब ये ग्राम में होता है, ये केजी में ही है, तो 1 डब्ल्यू ए इन केजी, आप ये भी लिख सकते हो 1 डब्ल्यू ए इन केजी, जब ये केजी में नहीं ग्राम में रहता है तब इसको हम
ग्राम में केजी में कन्वर्ट करने के लिए ओपन में 1000 देते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है उसको मन होगा और करके 1 केजी को 1000 ग्राम लिख देगा, और जब 1000 ग्राम लिख देगा तो 1000 बटे 1000 करोगे, 1000 बटे 1000 करोगे, आंसर वही आएगा, है ना। तो डेल्टा टीबी बराबर सभी को पता है, केबी आप यहाँ पर रख देना क्वेश्चन में दिया है, डब्ल्यू बी पता है, एम बी पता है, एक पता ही, तो यहाँ से डेल्टा टीबी मिल जाएगा और डेल्टा टीबी को यहाँ रखोगे तो टीबी मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रयास खुद से कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं सभी क्वेश्चंस को बनाइए, नहीं हो तो आंसर को देखिए तो आपको लगेगा सब कुछ आपको आता है। जब करत करत अभ्यास जरूरती हो सुजान, जल्दी जितना बार बनाइएगा उतना अच्छा होइएगा, है ना। ठीक, कोई दिक्कत बाबू नहीं, कॉपी को बार बार पलटिए तभी अच्छा होगा, है ना सब्जेक्ट। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका अपना यूट्यूब चैनल TLE केमिस्ट्री। चलते बाबू, बाय बाय, चलिए ओके।